हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कितने टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारी कंडीशन हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप क्रिएट करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपके परफॉर्म होते हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन है। डेटा, इसके अंदर डेटा भी हो सकता है आपका। इसके अलावा प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम आपने इसके अंदर लिखे हुए हैं। यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर इससे परफॉर्म करेगा, कंप्यूटर के अंदर ये डिफाइन है। और एक स्पेसिफिक टास्क आपका परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देगा, तो वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपका, आपने व्हाट्सएप यूज किया है तो व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। फेसबुक आपका ऐप है, वो सब क्या है, ऐप भी है, उनको सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड फंक्शन। एक वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से आप इंटरेक्ट कर सकें उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का। ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे यूजर कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर आपका कंडीशन होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एंड इसके बाद आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। ये क्या होते हैं, सिस्टम के पार्ट होते हैं। इनबिल्ड होता है जिस समय आपका कोड अपने, मीन्स जिस समय आपने कोई भी सिस्टम डिजाइन किया है उसके अंदर पहले से ही डिफाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनकी कंडीशन, ऑल देन थिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे कोई भी सिस्टम पे आपको नोटपैड मिल जाएगा, वो भी एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होता है, यूजर अपने यूज के लिए क्रिएट करता है या डाउनलोड इंस्टॉल करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन दोनों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग इनको प्रॉपर वे में देखेंगे। सो सॉफ्टवेयर थ्री टाइप इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल अ कंप्यूटर इंटरनल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल सच पेरिफेरल एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज। इन सभी को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी ऑपरेशन है उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करने का काम आपका करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर मोर फास्ट। इसके थ्रू आपके जो ऑपरेशन होते हैं वो फास्टली परफॉर्म करते हैं, इफेक्टिव वे में आपका क्रिएट होता है, सिक्योर आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं आपके, उबंटू, लिनक्स, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये पार्ट है। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोजर टू द सिस्टम, सिस्टम के क्लोज होते हैं, डायरेक्टली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखी रहती हैं आपकी। एंड इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट टू डिजाइन अंडरस्टैंडिंग। इनको, इनके जो कोड है इनको समझना और डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फास्ट इन स्पीड होती है इनकी, लेस इंटरेक्टिव होते हैं, स्मॉलर इन साइज आपका होता है, हार्ड टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना इसको हार्ड होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने थोड़ा हार्ड होते हैं, सारी फास्ट होती है स्पीड अप, ये आप इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं आपके, जितने भी डिवाइस के ड्राइवर, मॉनिटर आपने यूज किया, मॉनिटर का डिवाइस आप एंटर कर रहे हैं, कीबोर्ड का आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपने यूज किया है, कोई ट्रांसलेटर आपके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके थ्री होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वो डिजाइन करना है, वो भी एक पार्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो विंडो, लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर, ये सब आपके क्या है, सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इन्हें ऐप भी बोलते हैं आपका, इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर। एंड यूजर के थ्रू जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बीट एजुकेशन, पर्सनल और बिजनेस। मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको आपने डाउनलोड किया और उसे इंस्टॉल कर लिया या परचेस किया, इंस्टॉल किया, तो वो आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इसके अलावा ऑफिस है आपका, वो सारा आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
बाद में जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फीचर ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मिंग मोर स्पेशलाइज टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वो इस पे काम करते हैं। इट नीड मोर स्पेस स्पेस एज अ बिगर इन साइज, क्योंकि इनका साइज बिगर होता है तो इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। इजी टू डिज़ाइन एंड मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर, यूजर इजीली इनसे इंटरेक्ट कर सकता है और डिज़ाइन भी आपका इजी होता है। इनको जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जैसे आपके सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, ASP.NET या PHP। ऐप डिज़ाइन करने हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेजेस ले सकते हैं, तो उनमें आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग है आपका, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जितने भी आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं वो आपके आ सकते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किए हैं एक्सेस है आपका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका, इसके अलावा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका, इसके अलावा वेब ब्राउजर आपके हैं या आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, वो सारे आपके क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फिगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई अनऑथराइज यूजर आपका डेटा एक्सेस ना कर सके, कोई कॉन्फिगर मीन्स आपका डेटा इजीली कॉन्फिगर हो सके, मेंटेन हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके, इन सबको परफॉर्म करने के लिए यूटिलिटी, और ये भी कह सकते हैं आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो एंटीवायरस जितने भी होते हैं वो आपके काम करते हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने बोला है तो सिस्टम के अंदर आपका ऑल इनबिल्ड होता है विंडो फायरवॉल, वो आपका होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूजुअली फोकस ऑन द हाउ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हार्डवेयर ऑपरेटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेटा ऑपरेट, कैसे वो ऑपरेट करें, कोई अनऑथराइज्ड उनको एक्सेस ना कर सके नेट के थ्रू, सो वो सारा प्रोसेसिंग आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। दी सॉफ्टवेयर में कम अलॉन्ग दी ओएस लाइक विंडो डिफेंडर, ये प्री डिफाइंड होता है आपका डिफेंडर जो होता है, विंडो डिस्क क्लीनअप टूल, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर, डिस्क कंप्रेस, ये सारे आपके क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फीचर हैं, डेटा कंप्रेशन आपका कंप्रेस कर सकते हैं, डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, फाइल सिंक्रोनाइजेशन आपका हो सकता है, डिस्क कंप्रेस कर सकते हैं आप, ये सारे आपके ऑपरेशन हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब टाइप्स होते हैं इसमें, सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम की अपनी यूटिलिटी होती है कुछ, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी, फाइल से रिलेटेड मैनेजमेंट यूटिलिटी आपको परफॉर्म करनी, वो स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी आपकी परफॉर्म होती है इसमें, बैकअप यूटिलिटी, एंड इसके बाद आता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट आप नेट से इनको डाउनलोड करेंगे और इजीली आप इनको इंस्टॉल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर हूज सोर्स कोड इज अवेलेबल ओपनली इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड कैन मॉडिफाई, आप उसे ऐड न्यू फीचर्स इन दिस कोड, ओपनली आपको अवेलेबल होगा कोड, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं, सो वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो यूजर डू नॉट नीड टू हैव एनी ऑथेंटिकेशन लाइसेंस फॉर दिस यूज, इनको यूज करने के लिए आपके पास कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, देन आप यूज कर सकते हैं। जैसे जावा है, Ubuntu है, ओपन सोर्स इंटरेक्टिव है, ये वर्डप्रेस है, ये सारे आपके क्या है, ओपन सोर्स हैं, आप इजीली उनको डाउनलोड कीजिए और यूज कर सकते, ओपन मीन्स फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है, ना ही कोई लाइसेंस खरीदना है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं वेयर इज अ सोर्स कोड आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, आप उन्हें यूज तो कर सकते हैं बट उसके कोड में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ये होते हैं आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर यूजर नीड टू हैव अ वैलिड एंड ऑथेंटिकेशन लाइसेंस, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे विंडो है आपका, विनरार है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है आपकी, मोबाइल ऐप जो भी होते हैं आपके, मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मोबाइल ऐप इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन टू रन अ मोबाइल डिवाइस पे जो आपके रन होते हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट पे जो आपके रन होते हैं, वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यू कैन डाउनलोड, इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो डिफरेंट आपके मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप जो होते हैं, लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप जो होती है, फिटनेस, डेटिंग, फूड, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, ये सब आपके लाइव मोबाइल ऐप है। सोशल मीडिया मोबाइल ऐप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये हैं आपके यूटिलिटी मोबाइल ऐप हो गए आपके, रिमाइंडर, कैलकुलेटर, ये यूटिलिटी हो गए आपके, गेमिंग हो गए आपके, डिफरेंट गेमिंग आपके सॉफ्टवेयर हैं, एंग्री बर्ड, पबजी, ये सब है। न्यूज़ इंफॉर्मेशन आउटलाइन मोबाइल ऐप हो सकते हैं आपके, गूगल न्यूज है, जियो न्यूज है, वन न्यूज है, ये सब आपके क्या होते हैं, मोबाइल ऐप होते हैं। सो ये कंप्लीट कोड है आपका। सो थैंक यू स्टूडेंट।